गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले चैप्टर 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं, मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता। मनुष्य में केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी होते हैं, यानी इसमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तथा आंतरिक निषेचन पाया जाता है और मनुष्य को जरायुज भी कहते हैं, क्योंकि ये सुविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। अगला है जनन इकाइयां तथा जनन अंग। तो लैंगिक जनन में भाग लेने वाली कोशिकाओं को युग्मक या गैमेट्स कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु व अंडाणु दोनों अगुणित होते हैं, यानी हैप्लॉयड होते हैं। जैसे जो भी कोशिकाएं होती हैं वो सभी द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, और जब उसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है तो उससे जो बनी कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं, लेकिन सिर्फ जनन कोशिकाओं के द्वारा जो शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं यही अगुणित होते हैं। बाकी जो अन्य कोशिकाएँ होती हैं उनमें समसूत्र विभाजन होता है और वो द्विगुणित ही होती हैं। अंडाणु व शुक्राणु के संलयन से युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा शिशु का विकास होता है, और इन सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग कहा जाता है। अगला, कार्य के आधार पर जनन अंगों को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी जो भी जनन अंग है उनको कार्य के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक जनन अंग, जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है। प्राथमिक लैंगिक अंग को जनद यानी गोनड्स कहते हैं। नर जनदों को वृषण तथा मादा जनद को अंडाशय यानी ओवरी कहा जाता है। ठीक, तो जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जनद या गोनड्स। और मनुष्य में, यानी कि अगर बात करें नर में, ये जो गोनड्स होते हैं उनको हम वृषण कहते हैं, तथा मादा में जो होते हैं उनको अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। वृषण में शुक्राणु यानी स्पर्म तथा अंडाशय में ओवरी, जिसको कहा जाता है, में अंडाणु यानी ओवा, एक सेल भी कह सकते हैं, का निर्माण होता है। तो यह क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है। इसके बाद अगला आता है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग, मतलब कि इनको सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है। नर में जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शुक्रवाहक तथा शिश्न आदि, व मादा में फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय, योनि तथा अस्तन ग्रंथियां आदि द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग हैं। तो ये यहाँ पर कार्य के आधार पर जो जनन अंग हैं उनको प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा गया है। अगला टॉपिक है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं, तो संक्षिप्त में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में आगे फिर पढ़ेंगे। जिसमें पहला होता है नर जनन तंत्र में वृषण कोष, वृषण कोष टेस्टिस कहा जाता है। तो वृषण कोष जो यहाँ पे है, जिसको स्क्रोटल सैक कहा जाता है, जिसमें वृषण जो यानी जो टेस्टिस होते हैं वो बंद रहते हैं। वृषण यानी टेस्टिस, जिनमें शुक्राणु एवं नरलिंग हार्मोन बनते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? वृषण कोष, जिसमें वृषण पाए जाते हैं यानी वृषण बंद रहते हैं। फिर वृषण आता है, वृषण जिनमें शुक्राणु एवं नरलिंग हार्मोन बनते हैं। नरलिंग हार्मोन में जैसे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स पाया जाता है। तो इसी तरह अगला है नर जनन वाहिनियाँ, जिनको डक्ट्स कहा जाता है। वृषणों से शुक्राणुओं को ले जाने के लिए जो होती हैं उनको नर जनन वाहिनियाँ कहा जाता है। फिर उसके बाद सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि है, बल्बो यूरिथ्रियल ग्रंथि है, वीर के निर्माण में भाग लेने वाली ग्रंथियाँ हैं। ठीक, उसके बाद शिश्न, स्त्री के जनन पथ में शुक्राणुओं के स्थानांतरण के लिए जो होता है उसको शिश्न या पेनिस कहते हैं। अगला अधिवृषण, एपिडाइडिमिस, जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं। बनते शुक्राणु कहाँ है? टेस्टिस में, लेकिन उनका मैचुरेशन जो होता है वो कहाँ होता है? एपिडाइडिमिस में होता है, जिसको उसके बाद शुक्राशय, जिसको स्पर्मिथिकी कहते हैं। ये एक क्षारीय द्रव्य का स्राव करता है, कौन? शुक्राशय, जिसमें फ्रक्टोज, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिंस, सेमिनोजेलिन,
प्रोटीन, कैल्शियम कार्बोनेट आदि होते हैं जो शुक्राणुओं का पोषण करते हैं। ठीक, अगला है डायग्राम, इसको मैं सेंड कर दूंगा। ग्रहकार प्राथमिक व द्वितीयक जनन अंगों के नाम बताइए।